हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त को होने वाले स्मैकडाउन के फुल प्रीव्यू के बारे में और समर स्लैम की बात की। पहली स्मैकडाउन है और जो भी हमें समर स्लैम में देखने को मिला स्मैकडाउन ब्रांड की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। चाहे वो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो, ब्रॉक लेसनर अब हमें स्मैकडाउन पर ही देखने को मिलेंगे, और चाहे वो बेकी लिंच का रिटर्न हो, बियांका बेलेयर से विक्ट्री हो, और भी हमें काफ़ी कुछ शॉकिंग देखने को मिला। तो गाइस, क्या कुछ अब नेक्स्ट स्मैकडाउन पर दिखाएगी WWE। और इसी के साथ गाइस बात करेंगे ब्रॉक लेसनर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट कितने साल तक चलेगा, कितने मैचेस हैं, सब कुछ रिवील हो चुका है इस वीडियो में बात करेंगे। और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में क्या कहा, तो गाइस बहुत ही बढ़िया अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आप ही के लाइक से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन पर हमें यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिर से लाइव ऑडियंस तो होगी, और यहाँ पर बेकी लिंच हमें स्मैकडाउन की शुरुआत करते हुए दिखाई दे सकती है, और बेकी लिंच के पास होगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और भाई, बढ़िया मैच तो नहीं था समर स्लैम में बेकी लिंच का, पर बेकी लिंच को काफ़ी पॉप मिला ऑडियंस की तरफ से उनके रिटर्न पर। तो ऐसे ही कुछ हमें स्मैकडाउन पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेकी लिंच सेलिब्रेशन करेंगे, पर बियांका बेलेयर उन्हें इंटरप्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो समर स्लैम में हमें मैच देखने को मिला था उससे थोड़ा बढ़िया मैच दिखा सके। पर साशा बैंक्स कहाँ है यहाँ पर, WWE आगे आने वाले टाइम में बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स की भी फ्यूड दिखा सकती है। फिलहाल हमें बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेयर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस बात करें स्मैकडाउन के एक और टॉप सुपरस्टार सेथ रॉलिंस, तो सेथ रॉलिंस को भी हार का सामना करना पड़ गया एज के अगेंस्ट। और कह सकते हैं अभी भाई सेथ रॉलिंस का टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। एक टाइम पे यहाँ पर उम्मीद थी र्यूमर्स से कि सेथ रॉलिंस हमें टाइटल पिक्चर में देखने को मिलेंगे, पर ऐसे कैसे वो टाइटल पिक्चर में देखने को मिल सकते हैं जब उनकी कोई स्टोरी लाइन बढ़िया चल ही नहीं रही है, या अब हमें सेथ रॉलिंस की कुछ ऐसी बुकिंग देखने को मिले जो कि भाई सेथ रॉलिंस को और पुश दे। फिलहाल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हो सकता है सेथ रॉलिंस के लिए, तो अब सेथ रॉलिंस का क्या नेक्स्ट मूव होगा ये भी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं गाइस बात करें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा की, और भाई शिंसुके नाकामुरा ने अपोलो क्रूज को हरा दिया और वो बन चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, साथ ही वो है किंग शिंसुके नाकामुरा। पर जैसे कि अभी देख के लग रहा है कि भाई शिंसुके नाकामुरा की फ्यूड अभी अपोलो क्रूज के साथ चलेगी ही, अपोलो क्रूज के साथ होंगे उनके मार्शल और शिंसुके नाकामुरा के साथ उनके टैग टीम पार्टनर। और एक्सट्रीम रूल्स के लिए WWE रीमैच कंफर्म कर सकती है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज का। वहीं गाइस बात करें हमारे स्मैकडाउन के टॉप चैंपियन रोमन रेंस की, और रोमन रेंस ने भाई बड़े ही शानदार तरीके से जॉन सिना को हराया बड़े ही क्रूशियल मैच में, और रोमन रेंस यहां पर काफ़ी खुश हैं जॉन सिना को हराने के बाद। तो हमें स्मैकडाउन पर फिर से सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, रोमन रेंस पोल है मैंने अपनी बढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। पर गाइस जब यहां पर बात आएगी ब्रॉक लेसनर की, तो रोमन रेंस के किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, और जाहिर सी बात है रूमर्स ऐसे भी हैं कि रोमन रेंस का अब नेक्स्ट अपोनेंट ब्रॉक लेसनर ही होंगे यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और गाइस मैं आपको यहाँ बता दूं कि रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में क्या कहा है, तो रिसेंट में ही बम्प पे रोमन रेंस का इंटरव्यू हुआ और रोमन रेंस से ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में पूछा गया, तो गाइस रोमन रेंस ने यहाँ पर सीधा सीधा बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कि ब्रॉक लेसनर WWE में दोबारा रिटर्न आया है अपने आप को साबित करने के लिए, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए आया है, और वो अपने आप को साबित और रिलेवेंट कैसे बता सकता है जब उसके पास कोई चैंपियनशिप होगी और उसे चैंपियनशिप चाहिए यूनिवर्सल, उसकी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि उसके पास एक टाइम पे थी। तो रोमन रेंस को साफ साफ फ्यूचर दिख रहा है कि अब उन्हें ब्रॉक लेसनर का सामना करना पड़ेगा, तो ये कुछ रोमन रेंस का कहना था। तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में क्या होता है, पॉल हेमन का रिएक्शन भी WWE फैंस देखना चाहेंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। बाकी हमें इस सेगमेंट में कुछ ज़्यादा एक्शन तो नहीं, पर एक हीटेड सेगमेंट देखने को जरूर मिलेगा। तो ये गाइस ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन पर अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो गाइस अपडेट्स आ चुकी हैं कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का, क्या वो फ्री एजेंट बन के आए थे या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है फाइनली WWE से। तो गाइस जाहिर सी बात है ब्रॉक लेसनर को WWE फ्री एजेंट नहीं रखेगी, वो उन्हें जरूर बांध के रखेगी अपने साथ कि वो दूसरे ब्रांड पर ना जा पाएं। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और मैं गाइस आपको बता दूं ये कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 1.5 साल का, यानी कि ये 2021 चल रहा है अभी, तो 2023 तक हमें ब्रॉक लेसनर कंफर्म देखने को मिलेंगे, और जो 2023 में रेसलमेनिया होने वाला है रेसलमेनिया 39 वहाँ तक की ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुकी है WWE की। और इस कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 8 मैचेस शामिल है, ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और 8 मैचेस तो आप जानते ही होंगे ये 8 मैचेस सिर्फ पेपर व्यू के मैचेस हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर सिर्फ पेपर व्यू में ही फाइट करते हैं, तो 8 पेपर व्यू तो ब्रॉक लेसनर के पक्के हो चुके हैं उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो भाई अब तो 1.5 साल तक ब्रॉक लेसनर कहीं भी जाने वाले नहीं है WWE फैंस के, तो मज़े आ गए।
अब ब्रॉक लेसनर हमें WWE में देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट अपोनेंट ब्रॉक लेसनर के रोमन रेंस हैं जैसे कि। तो आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फ्यूड के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप किसे सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स खुला बता सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ख्याल जरूर रखें अपना।